पछुआ वर्गक अवहेला सरकारक उपरे बर्षिले जातीय पछुआ वर्ग कमिशन सदस्य कौशलेन्द्र सिंह पटेल ओडिशारे पछुआ वर्गक अवहेला करुछन्ती राज्य सरकार आर्थिक रोजगार आधार में संरक्षण व्यवस्था थिले भी देउनाहंती सांविधानिक अधिकार रु वंचित करुछन्ती 11.25% संरक्षण देउनाहंती पछुआ वर्गक शैक्षिक एवं अर्थनैतिक विकास करबाको आंतरिकता नाही जातीय पछुआ वर्ग कमिशन 2020 फेब्रुआरी रे ओडिशा आसीथिले पुणी 2020 सेप्टेम्बर रे वीसी जरिया रे आलोचना करथिले काली मध्य राज्य सरकार अधिकारी सहित कथा होती गत 1.5 वर्ष भितर तीन थर आलोचना हो सबुथर राज्य सरकार पदक्षेप ने कहते किंतु नेउना जातीय पछुआ वर्ग कमिशन सदस्य कौशलेन्द्र सिंह पटेल राज्य में ओबीसी फाइनान्स कमिशन रही किंतु सहायता करूना आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगापी सहायता देना राज्य में पछुआ वर्ग कमिशन थी ना भली कहते जातीय पछुआ वर्ग कमिशन सदस्य कौशलेन्द्र सिंह पटेल कल जो व्यापक सुनवाई हमने की उसमें उड़ीसा सरकार के द्वारा उनके अधिकारियों के द्वारा मुझे एक ये कागज उपलब्ध कराया गया जिसपे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा सरकार के तमाम अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। ये उड़ीसा पहला राज्य है जहां पर कि एनसीएल सर्टिफिकेट बनाते समय एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज जोड़ा जाता है, जहां पेरेंट्स की इनकम के बजाय परिवार का इनकम जोड़ा जाता है। इसमें सैलरी इनकम जोड़ने की बात कही गई है, एग्रीकल्चर इनकम बात करने की कही है। इस कागज के अवलोकन के बाद, इसको देखने के बाद, इसका परिशीलन करने के बाद यह प्रतीत होता है कि उड़ीसा राज्य के अंदर पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को शैक्षिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण ना दे करके मंडल कमीशन की मूल भावनाओं का गला घोंटते हुए उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है।